यार पहले आते हैं कंजूस लोग जो 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, फिर आते हैं मक्खी चूस लोग, अगर उनके चाय में एक मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को तो निकालेंगे ही, लेकिन साथ साथ उस मक्खी को भी 2 बार चूस लेंगे ताकि उसके साथ कोई चाय का बूंद ना चला जाए। फिर आते हैं लीजेंड लोग, अल्ट्रा लीजेंड लोग, जो लोग जियो का प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, जियो का पैक भी डलवाते हैं, लेकिन मिस कॉल करते हैं। अब जियो का ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो तीसरे कैटेगरी वाले लोगों की तादाद बढ़ने वाली है। दोस्तों जियो आज तक तो जानते हैं आप फ्री ही दे रहा था सब चीज कुछ लिमिटेड पैक के बाद, मतलब 300 या फिर 400 या फिर 450 रुपया आप डाल के महीने भर बहुत ही ज्यादा टॉक टाइम ले सकते थे और डाटा भी यूज कर सकते थे। खैर डाटा तो वही सिमिलर ही है, लेकिन टॉक टाइम के बारे में वही सिमिलर चीज अभी नहीं रहा, क्योंकि वो मोबाइल नेटवर्क के फील्ड में नया नया आया था। तो क्या हुआ था कि उस टाइम में IUC चार्जेस जो जियो अपने तरफ से ट्राई को पे कर रहा था, IUC चार्जेस वो चार्ज होता है जो अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कॉल कर रहे हैं तब दूसरे नेटवर्क वाले को पे करेगा आपका नेटवर्क प्रोवाइडर। तो पहले जो आपका प्लान आता था कॉल वाला प्लान, उसमें वो नेटवर्क प्रोवाइडर उसका चार्ज आपसे ले ही लेता था, लेकिन फिर जियो आ गया और वो IUC चार्जेस को भी हटा दिया और कम्प्लीटली फ्री कर दिया हर चीज। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो IUC चार्जेस जो जियो दे रहा है अभी हमारे लिए वो लिमिटेड टाइम के लिए है, और ये सेम चीज जियो को भी पता नहीं था। और ट्राई ने भी उस टाइम बोला था कि 2020 या 22 तक वो IUC चार्जेस को हटा देंगे। फिर अभी क्या हुआ कि ट्राई ने उस रूल को, वो हटाने वाले रूल को या फिर वो हटाने वाले डिसीजन को रिव्यू करने का डिसीजन लिया, तो अब जियो के भैया बैंड बज गई। जियो अब बोल रहा है कि हमें वो IUC चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा जियो टू जियो कॉल था वो तो फ्री रहेगा ही। अब सिर्फ फर्क इतना पड़ने वाला है कि अगर मैं जियो से कॉल कर रहा हूँ एयरटेल को, तो एयरटेल वाला जियो से वो पैसा लेगा और जियो वाला हमारे से पैसा लेगा। तो सिंपल सा चीज है। अब थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि इतना टाइम तक जियो इतना सारा कॉल का चार्जेस अफोर्ड कैसे करता था। दोस्तों देखिए, यहाँ जियो का बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी था कि हमारा एक्सपेंस को वो कितने दूर तक मैनेज कर सके और कितना टाइम तक वो हमारे लिए पे करता रहे। तो पहले क्या हुआ था कि जियो का जो कस्टमर बेस था वो बहुत ही छोटा लिमिटेड था। फिर क्या हुआ, जियो का अनलिमिटेड प्लान शुरू हो गए, उसका टेस्टिंग सब चालू हो गया, तो वायरल हो गया जियो और बहुत सारा कस्टमर्स एक्वायर कर लिया। अब देखिए ट्विस्ट अभी आता है, जियो का कस्टमर्स जो इतने थे वो अब इतने हो गए, बाकी सारे कस्टमर्स जो हैं वो इतने हैं बाकी नेटवर्क्स के। तो यहां से यहां तक जो कॉल जाएगा वो जियो को पे करना होगा इस नेटवर्क को, और दूसरे नेटवर्क से जियो को जो कॉल आएगा वो दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर वाले जियो को पे करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जियो का जब कस्टमर बेस उतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा छोटा था बाकी सब के मुकाबले, तो क्या होता था, बाकी सारे लोग जब जियो को कॉल कर रहे थे तो जियो अपना पैसा लेता था, वो चार्जेस जो 6 पैसा प्रति मिनट है, और जब जियो वाले बाकियों को कॉल करते थे तो जियो को भी देना पड़ता था बाकी सारे ऑपरेटर्स को, और इसी चक्कर में बहुत सारा एक्सपेंस जो जियो को देना पड़ता था बाकी सारे ऑपरेटर्स को वो मैनेज हो जाता था थोड़ा मोटा लॉस लेके। लेकिन अब क्या हुआ, एयरटेल वोडाफोन सब ट्राई को बोलने लगे कि भाई हम दूसरे नेटवर्क को हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए दे रहे हैं तो भैया हमें तो कुछ मिलना चाहिए, अरे भाई कुछ तो दे दो, अब सब नंगा करके छोड़ोगे क्या। तो ट्राई ने सोचा कि क्यों ना इस चीज को जो 2020 में हटाने वाला था IUC चार्जेस, उसको थोड़ा रिव्यू कर दिया जाए। अब जियो को झटका लगा, क्योंकि जियो पहले से प्लान कर चुका था कि 2020 तक तो कुछ भी करके मैं इनका चार्जेस अफोर्ड कर ही लूंगा, लेकिन जब ट्राई ने इसको रिव्यू करने के बारे में सोचा तो जियो ने बोल दिया भैया अब तो नहीं हो सकती, इतना लॉस पहले भी हम ले चुके हैं और कितना लॉस ले लें। फिर जियो ने नोटिस निकाल दिया कि हमें 6 पैसा प्रति मिनट का चार्ज देना होगा जियो को, ताकि जियो दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर्स को पे कर सके अगर हम दूसरे नेटवर्क को जियो से कॉल कर रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, अब इतना बड़ा नुकसान तो लग रहा है लेकिन उतना बड़ा नुकसान है नहीं। पहले आप कितना देते थे, 10 पैसा प्रति मिनट, उसके लिए फिर आप 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का स्पेशल रिचार्ज कराते थे, लेकिन अब जियो इतना दे रहा है, फिर डाटा भी तो दे ही रहा है ना। जियो को पकड़ने का मेन इम्पोर्टेंट रीजन तो डाटा भी तो है, ये भी तो सोच के देखिए। अब देखिए, ये जियो का स्पॉन्सर नहीं है, वैसे भी 130 सब्सक्राइबर वाले चैनल को कहां जियो स्पॉन्सर करेगा। वैसे तो भाई मुझे फर्क पड़ने ही वाला नहीं है क्योंकि मैं एयरटेल वाला हूँ, वैसे कुछ टाइम बाद फर्क पड़ने ही लग जाएगा। अब आप बोलेंगे जियो से एयरटेल को तुरंत पोर्ट कर लेंगे, पैसा नहीं लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जियो फ्री किया फिर एयरटेल वाले भी वैसे फ्री वाले प्लान निकालने लगे पूंछ पकड़ के, वैसा फिर से होने वाला है, फिर ये लोग भी पेड़ करने लगेंगे और भैया फिर वो सर्किल चलता रहेगा। अब इसीलिए मैंने बोल रखा है कि अब तीसरे कैटेगरी के कंजूसों का तादाद बढ़ने वाला है, तो भैया संभाल कर रहिए।
इस नोटिफिकेशन से सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है उन लोगों को जो रात रात भर दूसरों से बात करते रहते हैं और घंटों तक बात करते रहते हैं बिना फोन के बैटरी या फिर बिल के फिक्र किए, और वीडियो को शेयर करो, मेन बात है। बहुत सारे लोगों तक तो पहुंचना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जान सके और एक डेढ़ महीने के बाद उनका 10,000-20,000 रुपए का बिल ना आए। बस अब फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो अब तो जानते ही हैं लाइक ही करना है, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का बटन भी है, और भाई 130 या 135 सब्सक्राइबर हैं यार, बढ़ा दो। बस इससे वीडियो खत्म करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।